टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपनी टियागो ईवी की ड्राइव शुरू कर दी है। बहुत जल्दी इसकी डिलीवरी भी शुरू करने वाले हैं। कैसी है यह कार, इसके बारे में जानते हैं खुद टाटा मोटर्स और टाटा इलेक्ट्रिक के एमडी शैलेश चंदा जी से। शैलेश जी, बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि आपने इतना टाइम दिया हमें। नहीं, आपकी क्या तैयारी है टियागो के साथ? देखिए, टियागो ईवी अभी तो मीडिया ड्राइव आप लोग करने जा रहे हैं और मैं काफ़ी उत्सुक हूँ ये सुनने के लिए कि आप लोगों को उसकी ड्राइव कैसी लगी। मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब हम लोगों ने इसकी प्रोडक्शन भी चालू कर दी है। पहला फोकस है कि हम टेस्ट ड्राइव और डिस्प्ले की व्हीकल्स भेजें, जनवरी से लोग इसको देख पाएँ, इसको महसूस कर पाएँ, टेस्ट ड्राइव करके इसकी कैपेबिलिटीज समझ पाएँ, और सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी से हम डिलीवरीज चालू कर दें, ये प्लान है हमारी। और पहले मंथ में हम लोग टारगेट करेंगे कि 1500 से ऊपर कारें डिलीवरी के लिए दे पाएँ डीलरशिप्स में। और पहले 20 हमारे, मैं ये बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि आपने तो ये न्यूज़ पढ़ा ही होगा कि पहले दिन हमें 10,000 की बुकिंग आई, फिर हम लोगों ने उसको एडिशनल 10,000 इंट्रोडक्टरी प्राइस पर ही हम लोगों ने उसको बढ़ाया 20,000 तक के कस्टमर्स के लिए, और वो 20,000 भी बुकिंग्स पूरी हो गई। और मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था कि लोगों ने अभी उसको देखा नहीं है, उसको महसूस नहीं किया है, और तब भी एक लीप ऑफ फेथ से उन लोगों ने कार बुक की है, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग थी फीलिंग। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो 20,000 कस्टमर्स को हम लोग 4-5 महीने में इसकी डिलीवरी करें, तो उस तरीके की प्लानिंग हम कर रहे हैं। स्ट्रेच है हमारे लिए, बट अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत लोग वेटिंग में रह जाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि 1-2 साल लोगों को रुकना पड़े। तो प्लानिंग अच्छी है हमारी, कैपेसिटीज़ हम लोगों ने ऐसे प्लान की थी कि 30-35% पेनिट्रेशन हमने सोचा था टियागो ईवी की अपने सेल में। जैसे नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी में हमने देखा है कि उसमें पेनिट्रेशन 20-25% है, बट टियागो की एक्सेसिबिलिटी जो है लोअर प्राइस पॉइंट पे, उस पर ज़्यादा पेनिट्रेशन होने की संभावना है, तो उस तरह से हमने प्लान किया। आपने इंट्रोडक्टरी प्राइस तो हमारे साथ शेयर कर दी थी, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो अब बाकी व्यूअर्स जो कि लेट इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए कुछ प्राइस में कितना चेंज आने की संभावना है? देखिए, जब हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस डाली थी तो उसमें हम मार्केट को गेज करना चाहते थे कि इस तरह की इलेक्ट्रिक कार में कस्टमर्स का कितना इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट हमें पता चल गया। और जब पता चल गया तो ऑफकोर्स प्राइस जो है वो फैक्टर है कि हमारी इनपुट कॉस्ट कैसे बढ़ रही हैं। बैटरी प्राइसेस 30-35% लास्ट 1 ईयर में बढ़ी है, फिर अभी आपने देखा होगा कि नया सेफ्टी रेगुलेशन भी आया है जो December 1st से AIS 038 इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इससे कॉस्ट तो 5% से 6% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टियागो ईवी में लोगों का इंटरेस्ट हो, क्योंकि यही कार जो है वो मेन स्ट्रीम कर सकती है ईवीज़ को। और बहुत सारे डेटा जो हैं, जो बुकिंग्स में हमने देखी है 20,000 में, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नेक्सॉन ईवी अगर टिगोर ईवी में वो चीज़ नहीं देखा था हमने, यहाँ मेन स्ट्रीमिंग के सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो हम लोग प्राइस पॉइंट को अचानक से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3-4%, मतलब मैं बोलूँगा करीब 30,000 से 35,000 तक की ही प्राइस हम लोग सोच रहे हैं। मैंने मार्केट में देखा है, मैं भी पढ़ता हूँ सोशल मीडिया में, लोग कोई 50,000-1,00,000 की बात कर रहे हैं, बट हम लोग इसके आसपास रखना चाहते हैं ताकि लोग इसको अडॉप्ट करें इलेक्ट्रिफिकेशन को। तो वो हमारा वो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक डिवीजन ने स्पेशली ऑटो एक्सपो 20 में अल्ट्रोज ईवी को दिखाया था, लेकिन अल्ट्रोज ईवी से पहले टियागो बाजी मार ले गई। क्या रीजन रह गए कि अल्ट्रोज थोड़ा पीछे कर ली गई? नहीं देखिए, पहले तो अच्छी बात हुई क्योंकि टिगोर या अल्ट्रोज शायद इससे हायर प्राइस पॉइंट पे होती। और देखिए, मकसद ये था कि प्रोडक्ट प्लान को जैसे ईवी मार्केट भी इवॉल्व हो रहा था उसके हिसाब से हमने एडजस्ट किया। पहले हमने एसयूवी लॉन्च किया, क्योंकि जब हमने सर्वे किया मार्केट में कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा, जब हम लोग कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे, जब हमें पहली कार सोचनी थी कि कौन सी इलेक्ट्रिक कार लानी चाहिए हमें,
तो एल्ट्रॉस भी था उसमें और टियागो भी हम लोग सोच रहे थे, बहुत सारी कारें सोच रहे थे, बट हमने कहा कस्टमर किस कार को खरीदेगा पहले। तो जब वो सर्वे में ये निकला कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स वैसे दुगनी से तिगुनी होती है प्राइस में एक कन्वेंशनल कार के, तो आखिर में कस्टमर कितना ज़्यादा देना चाहता है? तो डीजल के लिए तो वो ज़्यादा देता है क्योंकि रनिंग कॉस्ट कम होती है, तो इसके लिए भी प्रीमियम देने को रेडी होगा। तो वो करीब 25-30% आया। और जो बैटरी प्राइस और रेंज के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि 200 किलोमीटर से अगर रियल रेंज कम है तो वो नहीं खरीदना चाहेंगे। तो अगर ये बाउंड्री कंडीशंस को लेकर हमने जब बैटरी प्राइसेस जिस लेवल पर थी, जब हमने देखा कि किस कार को हम अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो 12 से 14 लाख के प्राइस रेंज की कार को ही हम उसमें ला सकते थे, क्योंकि बैटरी प्राइस अगर छोटी कार में लाते तो ये परसेंटेज दुगना हो गया होता। तो वैसे हमने नेक्सॉन किया, तो पहले SUV लाया हमने, फिर सेडान लाया एक और एक हैच लाना था, हाँ एल्ट्रॉस भी ला सकते थे, बट टियागो लाया। अगर आप बताएं कि एल्ट्रॉस लाना या टियागो, आप ज़रूर बोलेंगे टियागो लाना बेहतर है, क्योंकि हमने मेन स्ट्रीम बनाया EVs को, शायद एल्ट्रॉस के साथ मेन स्ट्रीम नहीं कर। सो एक तो वो रीज़न है, बट दूसरी एक ये भी रीज़न है कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, रिफ्रेशेस की होती है, ये वो। तो हमने देखा कि इस सीक्वेंस में हमें एल्ट्रॉस कब लाना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बेसिस पर हमने एल्ट्रॉस को थोड़ा पीछे रखा। तो वो सीक्वेंस बहुत लॉजिक से डिफाइंड है, और 10 EVs लाने की बात हम कर रहे हैं, उस 10 में एल्ट्रॉस एक EV होगी, इतना मैं कंफर्म कर सकता हूँ। टाटा इलेक्ट्रिक ने अभी 2 कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमें शोकेस किए हैं, कल्व एंड अवेन्या। ऑटो एक्सपो आ रहा है, तो क्या हम कल्व या अवेन्या में से किसी एक का प्री प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रोडक्शन वर्जन, प्री प्रोडक्शन ही सही, प्री प्रोडक्शन आप उम्मीद कीजिए, कम से कम एक की तो उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी नज़दीक प्रोडक्शन वर्जन के जो होगा वो हम दिखाएंगे। शोकेस तो कोशिश करेंगे दोनों दिखाने की हम लोग। एक और सवाल था, टाटा मोटर्स ने 2022 में अपने IC इंजन टीम के साथ कोई भी एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं दिया है, सिर्फ CNG को छोड़ दिया है, हम तो क्या 23 में हम किसी खास सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर टाटा मोटर्स की एंट्री हो जाएगी? देखिए, सबसे पहला हमारे स्ट्रेटजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक बहुत बड़ा पिलर है स्ट्रेटजी की, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम तेज़ी से लाना चाहते हैं, क्योंकि तभी हम मेन स्ट्रीम कर पाएंगे, तभी हम अपने को नेट ज़ीरो की तरफ भी ले जा सकते हैं, अगर एक कंपनी की तरह या फिर जो नेशन ने प्लेज किया है 2070 में। तो इसलिए हम इस इन्वेस्टमेंट एफर्ट रिसोर्सेज का टाइम भी इसमें ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज को हम बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, कमिट भी हमने काफ़ी किया है। 2024 में आप देखेंगे कि दोनों EV और ICE में 4.3 मीटर में हम कर्व लाएंगे, तो 2024 में आप ICE में एडिशनल प्रोडक्ट देखेंगे, उसके सब्सिक्वेंट ईयर में भी फिर आप देखेंगे। तो 2024 ऑनवर्ड्स हम फिर ICE में भी अपना एक्सपेंशन चालू करेंगे, उन सेगमेंट्स में जो कि हम देख रहे हैं जिनमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि 4.3 मीटर सेगमेंट है। तो आप 2024 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो बढ़ेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी जो करंट पोर्टफोलियो उसको हम कैसे रिफ्रेश कर रहे हैं और उसमें क्या नई चीज़ ला रहे हैं, तो वो अगले साल से आपको वो भी बहुत तेज़ी से देखना चालू होंगे। टाटा इलेक्ट्रिक का पोर्टफोलियो आपका बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, कब तक टाटा इटसेल्फ 0 एमिशन पे पहुंच जाएगा? ये आज मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा, बट इतना मैं बोल सकता हूँ आपको कि हम लोगों ने बहुत क्लियर टारगेट्स लिया हुआ है नेट ज़ीरो की तरफ, और आज वो समय नहीं है कि जब मैं डिक्लेयर करूँगा, बट बहुत ही जल्दी हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हम लोग नेट ज़ीरो की तरफ हमने कब का टाइमलाइन निर्धारित किया है। और ये इंटरनली तो हम निर्धारित कर चुके हैं, अभी हम लोग इसकी रोड मैप भी बना रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इस टाइमलाइन को बात करेंगे। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है जिस तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं उसका सेंट्रल रीज़न यही है जो हमने नेट ज़ीरो अपने आप को डिफ़ाइन किया है, जो नेट ज़ीरो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार से नहीं आएंगी, इसमें हमें ग्रीनिंग ऑफ ऑपरेशंस भी करना होगा, जिसमें जो भी हम ऑपरेशंस में इलेक्ट्रिसिटी या कंज्यूम करते हैं वो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएँ,
वो काफ़ी तेज़ी से हम लोग अगले 4-5 वर्षों में कोशिश करेंगे कि हम पूरी रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाएं। तो बहुत सारी काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम हम कर रहे हैं नेट ज़ीरो की तरफ। एक और सवाल था, वो ये था कि लोगों का जुड़ाव नैनो के साथ बहुत भावनात्मक है, और उसके जब भी बात आती है इलेक्ट्रिक वर्जन की और इसके अलावा या पीपल्स कार, इलेक्ट्रिक कार, क्या टाटा के प्लान में कुछ ऐसा है? देखिए, हम लोगों ने 10 प्रोडक्ट बोला है हम लाने वाले हैं, और वो प्लान फ्रीज हो गया है। और इस प्लान के तहत हम लोग उन सेगमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं जो ग्रो कर रहे हैं फास्ट और जो साइज़ में बड़े हो रहे हैं। और अगर आप जितनी भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आज या फ्यूचर में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये 2 कंडीशंस को मीट करते हैं। और एक समय था, अगर आपको मैं इंफॉर्मेशन दूँ, डेटा दूँ लेटेस्ट, आज के दिन में जो मीडियन प्राइस है कार्स की जो बिकती हैं वो 9.5 लाख से 10 लाख की, और ये 4-5 साल पहले ये 6-7 लाख हुआ करती थी, उसके पहले ये 3-4 लाख हुआ करती थी। तो आप शिफ्ट देखिए किधर हो रही है। तो हमारा हमेशा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका रुझान किधर है, हम लोग उन सेगमेंट्स पर हमेशा फोकस करते रहेंगे। और हमारे 10 प्रोडक्ट्स की जो प्लान है वो इन कंडीशंस को मीट करती है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। और हमारा देखिए, हमारा कभी भी मकसद प्राइस पॉइंट पर नहीं रहता है। जैसा मैंने बोला, सेगमेंट्स कौन सी ग्रो हो रही हैं, कस्टमर्स के लिए एक सही संतुलन फीचर का, प्राइस का, इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेंज का, ड्राइवेबिलिटी का, वो सही संतुलन क्या है, वही कंपेलिंग प्रोपोजिशन होती है और वही कस्टमर खरीदता है। कस्टमर प्राइस पर नहीं खरीदता है। अगर ये संतुलन में अगर एक चीज़ मिस हो गया और आप प्राइस डिलीवर भी कर दिए तो वो कस्टमर नहीं खरीदता है। आज के दिन में सबसे सस्ती कार जो कंट्री में होगी वो सबसे ज़्यादा नहीं बिकती है। तो इसलिए हमारा उस पर फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि जो सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, जो सेगमेंट साइज़ में बड़ी होंगी, जिधर ग्राहकों का रुझान है उधर ही हम फोकस करें। ग्राहकों के रुझान से याद आया कि पंच के बारे में भी लोगों का था, आपने कहा भी है कि आप ऑलमोस्ट अपने सभी आईसी वाली पोर्टफोलियो को इलेक्ट्रिक में लेके आ रहे हैं, तो पंच क्या हम 23 में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इसके आगे? पंच को एक्सपेक्ट करना चाहिए 23 में कि कब, ये मैं नहीं बताऊंगा, बट वो सीक्वेंस में, ये 10 के सीक्वेंस में वो आगे की तरफ है, इतना मैं बता सकता हूँ। हमारी शुभकामनाएं टाटा मोटर्स और टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कि वो अच्छा करें और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट लेके आए। आज कार्गो से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।